एक चीज ऐसी क्या है जो आपको पहली डेट पे कभी बतानी नहीं चाहिए? मे बी योर पास्ट नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स, अपना गुस्सा, अबाउट माय एक्चुअल क्वालिटीज, दैट इफ आई एम सीइंग एनीवन एल्स और नॉट, कि मेरे कितने बॉयफ्रेंड्स रह चुके पहले। हाय गाइज, मेरा नाम है सिद्धार्थ अमर और एक बार फिर से मैं आ गया हूँ दिल्ली की सड़कों पर पूछने लोगों से कुछ मज़ेदार सवाल। और आज के सवाल क्या हैं वो जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि सवाल एक्चुअली बहुत बढ़िया। और एक और कारण है वीडियो एंड तक देखने के लिए, वो है BTS। तो चलो बिना किसी देर के शुरू करते, आ जाओ आ जाओ यार, बहुत बढ़िया वीडियो और बिहाइंड द सीन तो लल्लन टॉप है, लेट्स गो। एक चीज़ ऐसी क्या है जो लड़के हमेशा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं? सैलरी मोस्ट प्रोबब्ली। हाँ क्यों, ऐसा क्यों? आदत होती है उनको, हाइट वाइट के ऊपर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं। हाइट ऊपर नीचे करके बोल। आई थिंक दैट दे लाइक एग्जैजरेट मनी नंबर, या मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, इस टाइप से कुछ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इस टाइप कर कुछ सकते हैं। हाँ हाँ, हवाबाजी करते हैं, हवाबाजी। अगर सिर्फ गर्लफ्रेंड रखनी है तब तो बंदा बोलता है पैसा बहुत है, बहुत कुछ है। क्यों ऐसा? लड़कियाँ वैसे के पीछे भागते हैं, आपका कहने का मतलब? पैसा नहीं, थोड़ा टशन मान, सबको चाहिए होता है घूमना फिरना, ऐश करना, पैसे बढ़ा के। हाँ नहीं तो करना पड़ता है, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस बढ़ा के कि हम ये खरीद लेंगे, शूज पहन रहे हैं 20,000 के जूते हैं, होंगे साले गवार मार्केट के 2,000 वाले। कि हम कितने लड़कियों हैं 100 हैं। ये बड़ा चढ़ा के बोलते हैं ना कि भाई मैं तो, उनको लगता है कि हम ही 100 के आए हैं, लड़की तो 100 ही नहीं। लड़की का तो नंबर बढ़ रहा है, बट अगर जैसे चार लड़की के साथ सोए हैं तो वो बहुत बताएंगे। हाँ वो बोलेंगे हमने तो सोता तो कोई है नहीं उस रात, क्योंकि सो गए तो फिर कुछ होगा नहीं। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? हाँ ये नंबर भी ज्यादा बोलते हैं। हाँ लड़के तो अपने आप को स्टड बताते हैं, समझते हैं हम तो प्लेबॉय हैं, चाहे कैसी शक्ल हो उनकी। हाँ, शक्ल भटूरे वाली। हाँ, होगी, सोचेंगे कि हम ही स्टड है, लड़की को दिखाएंगे कि हम ही है जो है जो है। क्या तरीका होता है जिससे लड़कियाँ फ्लर्ट करती हैं लड़कों से बिना फिजिकल कॉन्टेक्ट के, व्हाट इज दैट वे? जस्ट टेलिंग हिम हाउ ही लुक्स, जस्ट गिव देम कॉम्प्लीमेंट्स, उसकी तारीफ करना। अच्छा, वो भी फ्लर्ट करने का तरीका? हाँ फ्लर्ट करने का, अच्छी अच्छी बातें करो, स्वीट स्वीट सी बोलो, तुम्हारी बॉडी अच्छी है। लुक्स कैसी लुक्स होंगी वही तो जानना चाह रहे, हमें समझ नहीं आता ना, तो हमें पसंद है, हमें लगता है कि शायद उनको भी वही पसंद हो। कैसी होती है वो लुक जरा दिखाएंगे? थोड़ा क्यूट वाला, नहीं नहीं ठीक है। अच्छा क्यूट वाला, जैसे अगर कोई अच्छा बंदा दिख रहा है तो पोस्चर थोड़ा सही हो जाता है। अच्छा। बाल वाल का थोड़ा, अगर कोई पसंद किसी को लाइक करते तो उसके सामने हमेशा कुछ अच्छा पहन के ना, तो प्रेजेंटेबल लग के तुम बैठे रहो, या फिर बात करने का तरीका चेंज हो जाता है। आई कॉन्टेक्ट, हाँ ये दिखाएगी, ये बहुत जरूरी है, समझ। चलो मेरा तो फ्लर्ट शुरू हो गया, बंद करो कैमरा, हम जा रहे हैं। स्माइल करके भी कर सकते हैं ना फ्लर्ट, ठीक है? आजकल तो वैसे ही मास्क आ गए। अब नहीं, मेरी मेरी स्माइल अच्छी है तो मैं तो अभी तो आंखें बड़ी नशीली हैं, मैं काफी डूब चुका हूं। बड़ा हरामी हो बेटा। आईज, आईज क्या, कैसे ऐसे करती है ताकि लड़कों से ऐसे ऐसे करके ऐसे कैसे होती है आईज? बिकॉज़ आईज आर द बेसिकली मिरर ऑफ योर्स, ऑफ गर्ल्स बेसिकली। अभी चश्मा लगा है मेरा, बट मुझे दिख रही है आपकी आंखें। हां फिर तो अगर आप मुझसे फ्लर्ट करने चाहो तो कैसी आंखें बनाओ? इट्स लाइक आर्ट, अ गर्ल नोज बाय बर्थ। अरे तो हम जानना चाह रहे हैं ना, हमें पता नहीं चलता, हम कुछ और सोच जाते हैं, लाइक वन कैन नॉट एक्सप्लेन राइट। वो आंख भी थोड़ा सा ऊपर जाएंगी, थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जाएंगी बट गई नहीं, मुझे लगा मुझे देख के जाएंगी बट गई नहीं, बट थोड़ा सबके सामने जाएंगी बातों से। कैसे मतलब, क्या ऐसी बातें करेंगे जो समझ आएगा लड़का भी? उसको फ्रेंड ही रख के, फ्रेंड जोन में ही रख के बातें वैसे करती है कि हाँ रिलेशनशिप तो चूतिया काटना हुआ ना सीधा सीधा। फ्लर्ट कर रही है तो कैसी बातें करेगी? हाँ तो बातें कैसी करेगी? बातें वैसी लाइक उनको थोड़ा पर्सनल टच दे के कि हाँ टच दे के पर्सनल टच टच करके बातों में। ओह वेरी नाइस, पर्सनल टच बातों में, तारीफ वगैरह करके। हाँ कपड़े अच्छे लग रहे तुम्हारे ऊपर, अच्छा स्मार्ट हो तुम, ये सब ऐसे करके। हाँ वो फ्लर्ट। एक क्वालिटी क्या आपके एक्स में थी अच्छी जो आपके प्रेजेंट में नहीं है? केयरिंग, looks, the way of talking, मतलब personality, present तो है ही नहीं पहले, तो कोई भी नहीं है, present है ही नहीं, और ex में जो qualities थी वो उसकी वहीं रह गई, कोई कमी नहीं है, सब सही है। कुछ एक quality? नहीं 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 सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। इसके लगता बड़े क्लेश होते हैं, इसने कहा और नहीं कराने है ना, यही सच्चाई है ना? बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसमें बेटर हो। नहीं नहीं सब सब ठीक है, सब ठीक है। झूठी लड़की, दिल पे हाथ रखे लड़की ने, ये वैसे सवाल काफी घर जोड़वाता है। आ जाए मेरे भाई, कोई बात नहीं भाई, भी मुझे केयरिंग लग रहा है आपकी। एक अब भाई बदला लेगा, आपकी एक एक्स की चीज़ क्या बेटर थी आपकी प्रेजेंट? ना ना इसका यही बेटर है तभी साथ में। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी, मैं इस बंदे को पूरे नंबर देता हूँ, इतना समझदार बंदा है, इसको पता है एक इंटरव्यू के चक्कर में जूते नहीं खाने, घर सही सलामत जाना। मेरा एक्स है ना बहुत, मतलब कि बहुत चीट करता था मगर कहीं पकड़ा नहीं जाता था, दिमागदार था।
खुश हो रही है उसके बारे में, चूतिया कटवा के भी लड़की खुश है। अच्छा। मेरे तो उसके दिमाग के लिए लाइक वो बहुत इंटेलिजेंट था। शोभराज बटाया था मतलब वो पकड़ा जाता था बट फिर भी निकल जाता सिचुएशन। हाँ निकल जाता था, मैनिपुलेटिव था। पहला आदमी जो कह रहा कि मेरा चूतिया कटता था और मैं खुश हूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? वो मेरे साथ ना घूमने जाता था हर जगह। हाँ मतलब ये जहाँ मुझे चला गया घूमने आ गई। हाँ हाँ प्रेजेंट नहीं आता था। प्रेजेंट ना वो मिलता ही कम था। है था ऐसे लटकाती है मैं ये तू है, वो बेचारा कहता बेबी मैं हूँ, है था जब मन करा ऐसे जूते से बॉल की तरह। तो मतलब वो घूमता था एक्स वाला। हाँ एक्स घूमता था, प्रेजेंट नहीं घूमता था। उसके अंदर ये मम्मी आ गई, फोन पे बात नहीं करता। मम्मी आ गई। हाँ फोन पे मतलब बात करता कि मम्मी आ गई, ये तो मुझे बोलना चाहिए। फोन काट दी का मम्मी आ गई का। अच्छा हो कहाँ से तू? दिल्ली से, वैसे यूपी। यूपी से, तभी मजेदार बोली है। एक चीज ऐसी क्या है जो आपको पहली डेट पे कभी बतानी नहीं चाहिए? मेबी योर पास्ट नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स। पुराने रिलेशन नहीं बताने चाहिए कभी भी। क्यों? क्वेश्चंस होते हैं ज्यादातर, फिर उसको आंसर करो, सब कुछ करो। अपना गुस्सा दिखाएंगे तो फिर वो नेक्स्ट डेट पे कभी नहीं आएंगे ना। आपको आता है गुस्सा? मुझे लग रहा नहीं, मुझे तो बहुत ही कम आता है। पास्ट का नहीं बताना चाहिए और क्या है? पास्ट इतना ओपन अप नहीं होना चाहिए। पास्ट में मतलब बेसिकली क्या नहीं बताना चाहिए? फैमिली का पास्ट, अपना अपने रिलेशन, पूरा पास्ट, दैट इफ आई एम सीइंग एनीवन एल्स और नॉट। मतलब डबल डेटिंग शुरू हो गई है भाई। हां तो ये नहीं बताना कि ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। हां ये हो चुका है। या रिस्क है। अबाउट माय एक्चुअल क्वालिटीज। क्यों? पीपल वोंट एक्सेप्ट ऑब्वियसली। अच्छी क्वालिटीज? नॉट अच्छी, माय रियल क्वालिटीज एक्चुअली। मतलब अपने आपके बारे में बतानी नहीं चाहिए तो डेट आगे कैसे बढ़े? झूठ बोलो, मतलब झूठ बोलो। पहली डेट पे फेक रहो? बिल्कुल फेक रहो कि मेरे कितने बॉयफ्रेंड्स रह चुके पहले। कितने रह चुके अब तो बता दो। पहले डेट पे नहीं, क्योंकि हाँ। लड़के थोड़े जजमेंटल होते हैं। क्या सभी होते हैं वैसे? हाँ, हाँ। लड़कियां भी होती है हाँ। मगर लड़कियां फिर भी हम लोग थोड़ा सोचते चल ठीक है कोई बात नहीं, पास था। लड़कों को बता दिए तो वो तो कहेगा हाँ। ये तो बड़ी स्टड लड़की है। हां स्टड सोचेंगे और अपने आप को कुछ और सोचेंगे वैसे, बट हाँ जो भी सोचेंगे गलत ही सोचेंगे, तो इसलिए नहीं बताना चाहिए। धीरे धीरे करके बताना। अब ऐसे एक बार हुआ था मेरे साथ कि एक रिलेशनशिप में मैंने 6 महीने बाद मैंने बताया कि और भी थे, उसी में घबरा गया। तो तब 6 महीने बाद क्या ही छोड़ सकता था हाँ। फिर उसके नहीं, अच्छी बात नहीं, 6 साल बाद भी छोड़ते कह रही 6 महीने कि 6 महीने बाद कौन सी वेल्डिंग कर दी थी तुमने उसकी? अरे मुझे पता ना वो कैसा है हाँ, और फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया उसको। गजब टू बीवाज आदमी ना, 3 साल हो गए सिंगल रहे हुए। ये तो मतलब काफी मुगलों के टाइम पे डेट करती थी, काफी पुरानी हो गई इनको डेट, बट फिर भी डेट पे तो गए हो गए। डेट मतलब जरूरी थोड़ा बॉयफ्रेंड के, डेट इज डेट, पर डेट पे लाइफ से रिलेटेड है ना, बहुत कम डिस्क्लोज करना चाहिए। मतलब पार्टी नहीं, वो मुझे पता है, वो तो ऑब्वियसली सब बैंक स्टेटमेंट वगैरह नहीं बतानी चाहिए, आधार कार्ड नंबर नहीं बताना चाहिए, बट एक चीज जो आपको लगता है नहीं बतानी चाहिए, यही कि कितने बॉयफ्रेंड रहे, क्या पास था। हाँ पास के बारे में कुछ डिस्क्लोज नहीं। हाँ दिल्ली की लड़की बहुत ही रंगीन पास्ट रहा है, हर कोई ये कह रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी बाकी सभी वीडियोस की तरह बहुत बढ़िया लगी होगी, और अगर वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना हो तो करना, नहीं भी करना हो तो चलेगा यार, क्योंकि जिसको ये वीडियो सच में पसंद आई होगी ना वो ये तीनों काम अपने आप ही कर देगा। बाकी जो करना है करो, आपकी लाइफ है। हाँ इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ना मुझे वीडियो का फीडबैक ज़रूर दे देना कि आपको वीडियो लगी कैसी। बाकी चिल करो, आराम करो, बाहर मत निकलना क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। आप आराम करो, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू। खत्म। Are we ready? Ready? Mic test 1 2 3. Mic test 1 2 3. Mic test 1 2 3. आपका मेरे को हेयर बैंड बहुत अच्छा लगा जो पीछे लटक रहा। थैंक यू। कि दोस्त को जूते नहीं मिले? मुझे नहीं पता। इतनी दूर कहाँ चलेगा? मैं थोड़ा ना आपकी डेट हूँ। मेरा बहुत चूत गया था। पहला बॉयफ्रेंड? मेरा बहुत चूत गया था। पहले सबकी चूत गया था। 5 मिनट पहले लड़की कह रही थी मेरा बात करने का मन नहीं और अभी चुप होने को तैयार नहीं। But I like ऐसी लड़कियाँ पसंद है मेरे। Have you seen this channel? So basically I do YouTube videos. आप इतना घबराओ मत भाई। नो नो वी आर नॉट ओके वी आर नॉट शूटिंग हियर। बहुत गर्म, कुछ भी हो, शॉपिंग भी नहीं करनी, सिर्फ घूमना है लड़कियों का। बहुत टाइम हो गया ना। अच्छा बहुत टाइम बाद निकले हो, वैक्सीन लगवा ली? नहीं अभी नहीं। चलो स्लॉट इतना मिल रहा है यहाँ पर, सरोजनी में कपड़े मिल जाते हैं, स्लॉट नहीं मिलता। आई लाइक दिस। अरे निकल गया सिचुएशन से। वेरी नाइस, बट थैंक यू सो मच, इट वाज लवली। आप कह रहे थे ऐसे लोग मुझे मिले जो कहें बात नहीं करना चाहते। मैं आपको नहीं हाथ नहीं मिला रहा था, वैसे मैं बता रहा था कि चैनल कौन सा है। ये आपका कुत्ता है? कौन सा? ये आप हो? ये मैं। यार मास्क उतार के फिर इंटरव्यू लेना चाहिए था इस लड़की का। फर्स्ट बॉयफ्रेंड था मेरा, इसको इतना बुरा लगता था वो, और वहाँ पे उसने किसी ने पूछ लिया आगे कि आपको कैसा लग रहा है डिमोनेटाइजेशन, बंदा खर्च कर रहा है आप पे।
तो मैं बोलने वाली थी हाँ, क्योंकि यार इंटरव्यू चल रहा है, तो मैंने कहा पहले भी नहीं करता था, अब भी नहीं कर रहा, कंगाल है वो, ये वो, अब लड़ाई होगी, कैमरा मैन वाले ने बोला कैमरा मत बंद कर। तुम लोग इतना वैसे भी बोलते हो, ये नहीं बहने कम बोलती है, ये बहन हो, सगी भाई बहन, सगी बहन है। अरे वाह, भगवान तुम्हारे माँ बाप को थोड़ी शांति प्राप्त करे। बट लवली टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू, वॉच द वीडियो, थैंक यू दिस वीक, इन दिस वीक डू वॉच इट, थैंक यू गाइस, शेयर इट, बाय।